भागलपुर कला केंद्र में बुधवार को पटना की संस्था समर चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से कला केंद्र ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज ने कहा कि यह अच्छी शुरुआत है और इससे तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के पास आधा अधूरा ज्ञान या गलत जानकारी पहुंचने से हर स्तर पर उनका ही नुकसान होता है, पर लाइब्रेरी के जरिए समग्र ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वहीं संचालन समिति के सदस्य उदय ने कहा कि ई लाइब्रेरी एक अच्छी पहल है और इसका लाभ उन सभी तबकों के बच्चों को मिलेगा जो पैसों के अभाव के कारण आधुनिक युग में भी इंटरनेट की सुविधा, पुस्तक और आधुनिकता से वंचित हैं। कला केंद्र और समर चैरिटेबल ट्रस्ट इस लाइब्रेरी के माध्यम से शहर के हर वंचित और पिछड़े छात्रों तक ज्ञान पहुँचाने को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम को कला केंद्र के प्राचार्य राजीव कुमार सिंह समेत कई लोगों ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कला महाविद्यालय भागलपुर ही नहीं बल्कि पूर्वी बिहार में शिल्प और कला के शिक्षण प्रशिक्षण का एक बढ़िया केंद्र रहा है, जहां यह लाइब्रेरी खुल जाने से युवाओं को एक और विकल्प मिल जाएगा। आज कला केंद्र ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ और समर चैरिटेबल ट्रस्ट पटना के सहयोग से हम लोगों ने इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है। कला केंद्र इस पूरे पूर्वी बिहार में पहले से ही आर्ट और कल्चर को लेकर सक्रिय रहा है और एक नया आयाम इस लाइब्रेरी का जुड़ गया, जिसके माध्यम से जो वंचित तबके के बच्चे हैं, जो कहीं और पैसा देकर लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो यहाँ पढ़ पाएंगे। और जो आधुनिक समय है जिसमें कि हमारा नेट का बहुत बड़ा योगदान होता है पढ़ाई लिखाई में, जानकारी प्राप्त करने में, तो उसकी सुविधा यहाँ मुफ्त में उनको मिल पाएगी। तो ये ई लाइब्रेरी की शुरुआत, उसके साथ साथ जो कला से जुड़े हुई पुस्तकें हैं वो भी यहाँ उपलब्ध होंगी। तो कला, साहित्य और जो अन्य ज्ञान की चीज़ें हैं वो यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जागृति युवा समिति की ओर से भागलपुर लाजपत पार्क में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मातृपितृ पूजन दिवस को व्यापक बनाने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भाजपा नेता रोहित पांडे समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए मातृपितृ पूजन की तैयारी करने की बात कही। बैठक में शहर के कई युवाओं और बुद्धिजीवियों ने कहा कि मातृपितृ पूजन हमारे संस्कार का अभिन्न हिस्सा है, पर पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के कारण हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी इससे दूर होते जा रहे हैं। वहीं प्यारे हिंद ने कहा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को संजोने एवं युवाओं को इससे जोड़े रखने के लिए पिछले 8 वर्षों से मातृपितृ पूजन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि समिति की ओर से भागलपुर लाजपत पार्क मैदान में 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भागलपुर समेत आसपास के जगहों से कई लोग शामिल होंगे। जागृत युवा समिति पिछले 8 वर्षों से भागलपुर में मातृपितृ पूजन का कार्यक्रम करते आ रही है। पाश्चात्य की जो गंदी हवा चली थी उसे अपनी संस्कृति से सुवासित करने का काम, अपनी संस्कृति में तो वैदिक रीति नीति है ही और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। माता पिता भगवान हैं लेकिन उसका पूजनोत्सव का एक कार्यक्रम भागलपुर में भी चलाया जा रहा है। विदेशों में भी यह धूमधाम से मनाया जा रहा है, कई ऐसे राज्यों में, जिलों में मनाया जा रहा है। भागलपुर में लाजपत पार्क के मैदान में कार्यक्रम 14 फरवरी को हम लोगों ने तय किया है। 2 बजे दोपहर से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले समय में यह वार्ड वाइज घर घर तक लोग करें, इस अभियान को हम लोगों ने किया है और समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। बिहार के बांका में छत से गिरने के कारण बुधवार को एक दरोगा की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुंगेर जिला निवासी SI जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो फिलहाल बांका में अभियोजन कोषांग में तैनात थे। घटना को लेकर बताया गया कि SI जितेंद्र पुलिस लाइन के बैरक की छत पर टहल रहे थे, इसी दौरान वो नीचे गिर गए। वहीं छत से नीचे गिरने की जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस द्वारा घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को देने के बाद से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। बांका SDPO विपिन बिहारी ने बताया कि अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार पुलिस केंद्र बांका में पदस्थापित थे। बुधवार को छत पर घूमने के दौरान नीचे गिरने से उनकी मौत हो गई। SDPO ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को मृतक के परिजनों को सौंप देने की बात कही। बांका जिला बल के पुलिस अवर निरीक्षक श्री जितेंद्र कुमार की
उस समय अपने पुलिस केंद्र बांका में अपने बैरक में थे, तो सुबह में केशवा में छत पर घूमने के लिए गए, उसी दौरान छत से गिर जाने की वजह से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्ति के तुरंत उपरांत पुलिस अधीक्षक बांका, SDPO बांका एवं अन्य पदाधिकारीगण वहाँ पर क्राइम सीन पर हम लोग गए और वहाँ से बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल बांका भेजा। फिर उनके शोकाकुल परिजन को इसकी सूचना दी गई और उसके परिजन आए और राजकीय सम्मान के साथ में उनके शव को उनके परिजनों को सौंपा गया और आगे की कार्रवाई जो है हम लोग। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बिहार पुलिस के कई अजीबोगरीब कारनामे तो आपने पहले भी देखे और सुने होंगे, पर आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह तस्वीर देखकर आपका पुलिस के प्रति नजरिया बदल जाएगा। बुधवार को पीरपैंती में पदस्थापित दरोगा पुरुषोत्तम झा को ब्लॉक परिसर के पास रोड पर तड़कते हुए एक इंसान मिला, जिसे एक पिकअप वैन ने धक्का मार दिया था। पुरुषोत्तम ने घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में बैठाकर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज कर रहे डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर रेफर कर दिया। हालांकि युवक की स्थिति नाजुक थी, किसी तरह उससे अपना घर और पता पूछा गया। युवक ने अपना घर मानिकपुर बताया, जिसके बाद वहां के मुखिया प्रतिनिधि गुंजन कुमार से संपर्क कर उसके परिजनों को घटना की सूचना दी गई। बता दें कि एक्सीडेंट के वक्त घायल सड़क पर दर्द से तड़प रहा था, वहां देखने वाले तो बहुत थे पर कोई मदद करने वाला नहीं था। ऐसे में दरोगा पुरुषोत्तम झा ने खुद उसे गोद में उठाकर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाया। इस दौरान लोगों द्वारा दरोगा जी को सलाह भी दी गई कि आपका वर्दी गंदा हो जाएगा, खून के धब्बे लग जाएंगे। ऐसे में पुरुषोत्तम झा ने कहा कि इंसानियत भी हमारा धर्म है, वर्दी तो दूसरा भी सिला लिया जाएगा, पर फिलहाल घायल का जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि पुलिसकर्मियों से इतनी उम्मीद आम लोगों को नहीं होती है, पर ऐसा ही पुरुषोत्तम झा के मानवता भरी इस कदम ने सभी का मन मोह लिया। अभी हमारे पास लगभग 12:10 पे एक पेशेंट आया था, जो कि यहाँ के थाना चार्ज लेके आए हुए थे। RTA का केस था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, मल्टीपल लेसरेटेड वुंड था, पूरा फेस पे, नोज पे और हेड पे, और कहीं ना कहीं इंटरनल ब्रेन में भी इंजुरी था उनका, जिसके वजह से उनको कुट की उल्टी हो रही थी और नेजल ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके इनको आगे की बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर किया। भागलपुर सुल्तानगंज के प्रखंड मुख्यालय सभागार में बुधवार को प्रखंड प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद बैठक की गई। बैठक के उपरांत BDO सह कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू की निगरानी में मत विभाजन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 और विपक्ष को मात्र 10 वोट ही मिले, जिससे प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रमुख पद से बिंदु देवी को हटाते हुए तिथि निर्धारित कर चुनाव कराने की बात कही। इस दौरान DCLR सब प्रवेक्षक अनिश कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी सब मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन समेत पंचायत समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। आज पंचायत समिति प्रमुख सुल्तानगंज के विरुद्ध जो भी विश्वास प्रस्ताव लाया गया था,
आज मातृ विभाजन उस पर चर्चा है, तो आज बैठक थी जिसमें कि नियत समय 12 बजे बैठक प्रारंभ की गई और उप प्रमुख उसकी अध्यक्षता कर रही थी। आरोप जो भी उसमें लगाए गए थे उसको पढ़ के सभी सदस्यों को सुनाया गया और इस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए सभी समिति सदस्यों को कहा गया। उन लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद प्रमुख महोदया को अपने सफाई में कहने का मौका दिया गया, जो भी आरोप लगाया गया था उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके बाद सभी ने एक मत से निर्णय लिया कि मत विभाजन कराया जाए। मत विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सभी 24 उपस्थित सदस्य ने अपना मतदान दिया उसमें, जिसमें से कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 10 मत पड़े। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया।